मिथिला कारागार चित्रकूट में कैदियों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने मिष्ठान एवं फल वितरण किया। प्रिया मसाले इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर रीता त्रिपाठी ने भी फल वितरण किया। और श्री विवेक तिवारी जी उपस्थित है। आपके द्वारा हमारे बंदियों को प्रशिक्षण कार्य में देने के लिए बहुत ही योगदान किया जा रहा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आज हमने एक पहल करी कि बंदी भाइयों के लिए कुछ प्रोग्राम किया जाए। इससे पहले शायद यहाँ पर प्रोग्राम नहीं होते थे। ये हमारी शुरुआत है। यदि आपका सहयोग मिलेगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को तो हम आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे और बहुत जल्दी ही हम एक कोई और प्रोग्राम करेंगे। आज पहली बार है, कुछ हो सकता है आपस में तालमेल में कभी रह गई हो, लेकिन उसको भी दूर कर लिया जाएगा। आप सभी बंदी भाइयों से यही अनुरोध है कि जेल में इसी तरह से आप अनुशासन कायम रखें, किसी तरह का आपस में कोई मतभेद ना रखें। हम एक ही स्वतंत्र देश के वासी हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आप सभी को इसके बारे में मालूम है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की संस्कृति और देश हमारे देश की एक अनेकता में एकता बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है कि यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, समान संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक सूत्र से बंधे हुए हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि जेल में भी अपने भाईचारा कायम रखें और कभी कोई इस तरह का वो ना करें भेदभाव आपस में। आज आप जेल में हैं, कल आप भी स्वतंत्र होंगे और आप भी अपने घर को जाएंगे। मेरी इस शुभ पावन अवसर पर यही अभिलाषा है और यही शुभकामना है कि आप जल्द से जल्द जेल से छूटें और अपने परिजनों से जाकर मिलें। जय हिंद, जय भारत।